सो हेलो, ये हमारा सेकंड लेक्चर है एंड आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम पीएच कैलकुलेशंस करने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो एक स्टैंडर्ड सवाल जो पूछता है वो है फाइंड द पीएच। पीएच बताना है आपको, और पीएच किसका पूछ सकता है वो, तो आठ सवाल वो पूछ सकता है, एट कैटेगरीज वो पूछ सकता है। आज हम वो आठों कैटेगरीज हम करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज जो भी सवाल बन सकते हैं पीएच पे, वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। तो जो पहला कैटेगरी है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का पीएच निकालो, दूसरा कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच निकालो, थर्ड कैटेगरी है फाइंड द पीएच ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हमने दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया और पीएच पूछ रहा है, या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिया और पीएच पूछ रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया और पीएच पूछ रहा है। अगला है वीक एसिड का पीएच पूछ दिया, उसके बाद है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, और आखिरी में है दो वीक एसिड जिसका हम शॉर्टकट देखेंगे। पीएच का सवाल इन एट कैटेगरीज में से एक क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कुछ और पूछ नहीं सकता। पीएच फाइंड करने के लिए आपको ये एट कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक कैटेगरी का वो पीएच पूछेगा। तो कैसे करना है, किस तरीके से पीएच को कैलकुलेट करना है, वो हम आज देखेंगे, थियरी देखेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करिए, और अगर उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो वापस चालू करिए। तो आज हम देखेंगे पीएच कैलकुलेशन, कैसे हमें पीएच को कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर लेक्चर्स आप डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए एक एक लेक्चर के अंदर, और एक से ज़्यादा अगर लेक्चर पॉसिबल होता है तो एक से ज़्यादा लेक्चर आपको दे देंगे। दूसरी चीज़, आप जो यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर हम वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे आप टिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े, आपको बार बार देखना ना पड़े। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगला जो वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो ये है कहानी, चलो शुरू करते हैं पीएच कैलकुलेशन। पहला कैटेगरी सबसे आसान वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, उसका पीएच हमें निकालना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो उसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें भी तीन कैटेगरी हमें मिलेगी। पहला कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज़ ग्रेटर देन 10^-6 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10^-6 मोलार से ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड का, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एच प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर H2O इज निग्लिजिबल। इज निग्लिजिबल, पानी से आने वाला एच प्लस जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला एच प्लस जो है उसी को कंसिडर करके हम पीएच निकालेंगे। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसा हो, 10^-6 मोलार से ज़्यादा हो। अब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पूछ लिया है आपको पीएच, पीएच पूछा है आपको फाइंड द पीएच ऑफ एचसीएल सॉल्यूशन, और आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10^-3 मोलार, तो आप कहोगे सर एच सी एल जो है ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा एच प्लस और सी एल माइनस में, और एच सी एल के अंदर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10^-3 मोलार,
टेन टू पावर माइनस थ्री मोलर अगर एच प्लस आपको मिल गया तो पीएच जो हो जाएगा, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टेन टू द पावर माइनस थ्री, माइनस से आगे आ जाएगा लॉग टेन की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ से हमें पीएच मिल जाएगा वो है थ्री। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, पीएच हो गया थ्री। ये तब कर सकते हैं जब हम कॉन्सेंट्रेशन टेन टू पावर माइनस सिक्स से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का दिया हो, तब पानी से आने वाला एच प्लस को हम निग्लिजिबल मान के सिर्फ और सिर्फ एसिड से आने वाले एच प्लस को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए इसकी जगह पे आपको बोला होता कि कॉन्सेंट्रेशन टेन टू पावर माइनस थ्री मोलार ही है, मगर अब जो एसिड है वो एच सी एल की जगह पर एच टू एस ओ फोर है, तो अगर एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन है और आपको पी एच पूछ दिया है फाइन पी एच, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर एच टू एस ओ फोर जो है ये डिसोसिएट होता है टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू। तो अगर ये टेन टू द पावर माइनस थ्री मोलार है डिसोसिएट होगा, तो एच प्लस जो मिलेगा आपको वो जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मोलार, और यहाँ से हम पी एच निकाल लेंगे और पी एच हो जाएगा हमारा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। ये टू ध्यान में रखना है आपको, एच सी एल से आने वाला एच प्लस वो है वन ही एच प्लस था, एक एच सी एल एक एच प्लस देता है, मगर एच टू एस ओ फोर जो है वो डाई प्रोटिक एसिड है, एक एच टू एस ओ फोर दो एच प्लस देते हैं, तो इसीलिए अगर एच टू एस ओ फोर का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी आपको दिया हुआ है टेन टू द पावर माइनस थ्री मोलार, तो फिर जो एच प्लस होगा वो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो हो जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मोलार, और पी एच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री। तो यहाँ से हम पी एच निकाल सकते हैं, पी एच हो जाएगा थ्री माइनस लॉग टू, और लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3, तो 3 माइनस 0.3 मतलब कि हो जाएगा 2.7। मान लीजिए इसी सवाल में अगर आपको H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलारिटी नहीं बल्कि नॉर्मेलिटी में बोली गई है 10 टू द पावर माइनस 3 नॉर्मल, अगर नॉर्मेलिटी आपको बोली गई है तो फिर आप वापस सेम चीज़ H2SO4 डिसोसिएट होगा एच प्लस टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू, अगर ये टेन टू द पावर माइनस थ्री नॉर्मल है तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी टेन टू द पावर माइनस थ्री नॉर्मल होगा। नॉर्मेलिटी में टू मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि वन इक्विवेलेंट हमेशा वन इक्विवेलेंट देता है, ये हमें पता होना चाहिए, तो नॉर्मेलिटी में टू से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। तो यहाँ से हम पी एच हो जाएगा हमारे पास, पी एच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस थ्री। माइनस थ्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एच टू एस ओ फोर की मोलारिटी नहीं दी गई थी बल्कि नॉर्मेलिटी दी गई थी, और नॉर्मेलिटी दी गई है इसीलिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वो भी टेन टू द पावर माइनस थ्री मोलार माइनस थ्री ही होगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पी एच वो हो जाएगा थ्री। आप सोच रहे होंगे इतना धीरे से हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा धीरे से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये करीबन एक बजा हुआ है, अभी रात के एक बजा हुआ है और सब लोग सो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे से बात करें कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ जो है वो जितना मिनिमम हो सके उतना हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका थ्री। ये हो गया हमारा पहला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन जो था हमने एसिड का कैसा लिया था 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा, 10 टू द पावर माइनस 6 से हमने ज़्यादा लिया था कॉन्सेंट्रेशन। मगर मान लीजिए अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर माइनस 6 नहीं है, सेकंड अगर हम बात करें वो है कॉन्सेंट्रेशन वो है लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 मोलार, अगर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का लेस देन 10 टू माइनस 8 मोलार है, ऐसी कंडीशन में ओनली एच प्लस कमिंग फ्रॉम एच टू ओ इज कंसिडर्ड एच प्लस
कमिंग फ्रॉम एसिड इज निग्लिजिबल। इस कंडीशन में अगर 10^-8 मोलार से कम कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो एसिड से आने वाला एच प्लस जो है वो बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगा। जो एच प्लस वाटर से आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ पानी से आने वाले एच प्लस को ही कंसिडर करेंगे और उसी से पी एच निकालेंगे। तो जो पी एच मिलता है इस कंडीशन में वो पी एच हो जाएगा क्लोज टू 7। पी एच अप्रॉक्सीमेट जो होगा वो 7 के करीबन होगा। एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा स्लाइटली लेस देन 7 होगा, मगर इट विल बी क्लोज टू 7। तो ये कंडीशन में जब हमने कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत ही कम कर दिया, 10^-8 से भी कम कॉन्सेंट्रेशन हमने कर दिया, तब जो कॉन्सेंट्रेशन जो है एच प्लस का वो सिर्फ और सिर्फ पानी से आने वाले एच प्लस को ही कंसिडर करना है। तीसरा जो है, और ये इम्पॉर्टेंट है, तीसरा जो है जब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है इज़ इन बिटवीन 10^-6 मोलार एंड 10^-8 मोलार। अगर -6 और -8 मोलार के बीच में अगर कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो इस कंडीशन में आपको पानी से आने वाला एच प्लस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एच प्लस को दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर करना पड़ेगा। आप किसी को भी निग्लिजिबल नहीं मान सकते। इस कंडीशन में आपको दोनों से आने वाले एच प्लस को कंसिडर करना है, नेट एच प्लस टोटल एच प्लस निकालना है और उसके रिलेटेड आपको पी एच निकालना होगा। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है और उसका कॉन्सेंट्रेशन -6 और -8 के बीच में है, तब हम एच प्लस कमिंग फ्रॉम बोथ एसिड एंड वाटर इज कंसिडर्ड। दोनों से आने वाले एच प्लस को कंसिडर करेंगे, नेट एच प्लस निकालेंगे और तब जाके हम पी एच निकालेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, इसमें स्टैंडर्ड सवाल जो पूछा जाता है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच सी एल। ये आपको दिया हुआ है 10^-8 मोलार। -8 मोलार आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एच सी एल का। अब फाइंड द पी एच, पी एच आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एच सी एल डिसोसिएट होगा एच प्लस प्लस ओ एच माइनस में। 10^-8 है ये, तो एच प्लस 10^-8 मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ओ एच माइनस नहीं है बल्कि सी एल माइनस है। 10^-8 हमें मिल गया एच प्लस। एच प्लस तो हमें मिल गया 10^-8 मोलार जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, मगर वाटर भी तो है यहाँ पे। वाटर डिसोसिएट होता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस में, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा। वाटर से आने वाला एच प्लस जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10^-7 मोलार होगा। अब यहाँ पे एच प्लस दो जगह से आ रहा है, पानी से आ रहा है एच प्लस 10^-7 मोलार और एच सी एल से आ रहा है एच प्लस 10^-8 मोलार। तो हम लिखेंगे टोटल एच प्लस, एच प्लस टोटल, और टोटल एच प्लस हो जाएगा 10^-8 मोलार प्लस 10^-7 मोलार। ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10^-8 को हम लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10^-7 मोलार प्लस, ये हो जाएगा 1 × 10^-7 मोलार। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 7, इसको हम लिख सकते हैं 1.1 × 10^-7 मोलार। ये हो जाएगा हमारे पास एच प्लस टोटल, टोटल एच प्लस मिल गया। अब पीएच निकालेंगे, पीएच हो जाएगा हमारे पास -log(1.1) × 10^-7 = 7 − log 1.1, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो होती है 6.96 के करीबन। तो आप देख सकते हो 6.96 मतलब कि क्लोज टू 7 है। अब ये जो तरीका हमने आपको बताया पीएच कैलकुलेट करने का, ये पीएच हमने कैलकुलेट किया जहाँ पे हमने H2O से आने वाला H+ और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H+ को हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया।
दिस इज इवन, दिस इज अप्रॉक्सीमेट, ये भी अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये भी अप्रॉक्सीमेट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर जो है वो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है। तो हम वो उतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम ये अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं कि यहाँ पे वाटर से आने वाला एच प्लस जो है वो 10^-7 मोलार ही है। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये 10^-7 नहीं होता, बल्कि <10^-7 मोलार होता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये <10^-7 मोलार होता है। तो आप जो हमने टोटल ये निकाला, ये टोटल जो हमने दोनों को ऐड कर दिया था, दोनों को ऐसे ऐड करके हमने टोटल निकाल के पीएच निकाल लिया। मगर एग्जैक्ट अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं ऐसे दोनों को ऐड नहीं कर सकते, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा के क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है। मगर वो लेंथी हो जाता है इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। इसको एग्जैक्ट जो है, इसके एग्जैक्ट के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम नहीं कवर कर रहे आज। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड की जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस पूछ रहा है वो, अब सेकंड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालो। तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच सेम तरीका जो अभी तक हमने पढ़ाया एसिड के लिए, उसी तरीके से बेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10^-6 मोलार से अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10^-6 मोलार, तो हम सिर्फ और सिर्फ बेस से आने वाला OH- को कंसिडर करेंगे, OH- को कंसिडर करेंगे। अगर <10^-8 मोलार है तो पानी से आने वाले OH- को कंसिडर करेंगे हम, तो क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली 7 होगा pH उसका। और अगर 10^-6 से कम है मगर 10^-8 से अगर ज़्यादा है, इन बिटवीन है, तो फिर हम दोनों को कंसिडर करेंगे, जैसे हमने एसिड के लिए देखा था। बेस के लिए भी सेम चीज़ देखेंगे। तो एक सवाल इसमें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बोला गया है 10^-2 मोलार NaOH है, फाइंड pH, pH पूछ लिया था। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा NaOH डिसोसिएट होता है Na प्लस प्लस OH- में। अब ये 10^-2 मोलार है तो ये OH- कितना देगा, ये OH- दे देगा 10^-2 मोलार। ये 10^-2 मोलार डिसोसिएट हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और OH- जो आपको मिलेगा वो भी मिलेगा 10^-2 मोलार। अब OH- का कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया, OH- हो जाएगा 10^-2 मोलार। तो हम POH निकाल सकते हैं पहले। POH होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, हमेशा ये याद रखिएगा। अगर OH- मिलता है तो पहले POH निकालिए, और POH निकालने के बाद 14 में से माइनस कर दीजिए तो pH आपको मिल जाएगा। तो POH हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ से pH हो जाएगा आपके पास 14-POH, मतलब कि हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमें मिल गया pH 12। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड जब उसका कॉन्सेंट्रेशन -6 से ज़्यादा था। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है, मान लीजिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो है NaOH, और NaOH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 10^-8 मोलार। अब अगर 10^-8 मोलार है यहाँ पे, मान लीजिए -8 की जगह अभी -7 ले लेते हैं, 10^-7 मोलार। अगर 10^-7 मोलार है यहाँ पे और आपको pH पूछ लिया, फाइंड pH, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ NaOH से आने वाले OH- को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि वाटर से आने वाले OH- को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और कंसिडर क्यों कर रहे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में है, -6 और -8 के बीच में है। अगर इन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आपको दोनों से आने वाले OH- को कंसिडर करना है। और अब टोटल OH- लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले NaOH डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस प्लस OH- में, 10^-7 मोलार है ये, OH- हो जाएगा 10^-7 मोलार जो NaOH से आ रहा है। H2O डिसोसिएट होगा, H2O इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा H प्लस प्लस OH- में, और H2O से आने वाला OH- भी हो जाएगा 10^-7 मोलार। टोटल OH- जो होगा
वो हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 10^-7 मोलार जो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है प्लस 10^-7 मोलार जो वाटर से आ रहा है, दोनों ओ एच माइनस को हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2×10^-7 मोलार। यहाँ से हम पहले पी ओ एच निकालेंगे, पी ओ एच क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है तो हम पी ओ एच निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2×10^-7 दैट इज इक्वल टू 7 − log 2 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6. log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये हो जाएगा 6.7। पी ओ एच मिल गया मगर हमें तो पी एच पूछा था, तो पी एच हो जाएगा हमारे पास 14 − 6.7, मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास 7.3, ये हो गया पी एच, ये मिल गया हमें पी एच। तो ये भी जो मैं आपको भी कह रहा हूँ ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मगर ये अप्रॉक्सीमेट क्यों हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कैसे आती है, कॉमन आइन इफेक्ट लगा के आती है। यहाँ पे हमने जो अप्रॉक्सीमेशन लिया है वो है वाटर से आने वाला ओ एच माइनस को भी हमने क्या ले लिया है, 10^-7 मोलार, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वाटर का जो इक्विलिब्रियम है वो 10^-7 मोलार नहीं देता, उससे कम देता है कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट है मगर ये जेन्युइनली हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। बिना अप्रोक्सीमेशन के कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर आप पूछते हो तो उसका भी हम आपको बता देंगे, मगर ये अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हमें लेना है ये सीखना ज़रूरी है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे तो आपका कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाएगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अप्रोक्सीमेशन सही जगह पे आपको लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पहला दो कंडीशन जो पहले दो थे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालना है वो, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालना है वो, ये हमने देख लिया। तीसरा है मिक्सचर, अब मिक्सचर वाले सवाल के लिए क्या करना है वो हम देखेंगे, मगर ये दोनों स्टार्टिंग के जो पहले दो हमने पीएच निकाले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें याद रखिएगा 10^-6 कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा, 10^-8 कॉन्सेंट्रेशन से कम और इन बिटवीन, ये तीन केसेस मिलते हैं और तीनों केसेस में कैसे आपको सोचना है, कैसे पीएच निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, आगे है तीसरा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर मिक्सचर है दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया, थर्ड एंड फोर्थ दोनों देख रहे हैं हम, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम मिक्स कर देते हैं या दो स्ट्रॉन्ग बेस को मगर मिक्स कर देते तब पीएच कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। थर्ड केस में जहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर अगर है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा एच प्लस का, यहाँ पे एसिड है इसलिए एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे ये होता रहता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला गया है एसिड वन, और एसिड वन का नॉर्मलिटी है एन वन, वॉल्यूम है वी वन, एसिड टू इसकी है नॉर्मलिटी है एन टू, वॉल्यूम है वी टू, ये आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकालना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो है एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू या फिर वी टोटल, ये हो जाएगा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, नेट कॉन्सेंट्रेशन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मिल गया, फिर पी एच निकालना आसान है, पी एच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इस तरीके से हम जब हमने दो एसिड को मिला दिया तो एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू करके हम पी एच निकाल लेंगे, मगर इसमें ट्रिक क्या आ जाती है, इसमें नॉर्मलिटी की जगह कभी कभी मोलैरिटी दी हुई रहती है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास मान लीजिए पहला कहते हैं हम एसिड वन, एसिड वन के लिए हमें दिया हुआ है मोलैरिटी है एम वन, वॉल्यूम है वी वन, और इसका एन फैक्टर है एन वन, एन फैक्टर मतलब कि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी रिप्लेसेबल एच प्लस आयन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर एच सी एल है तो एन फैक्टर हो गया 1, एच टू एस ओ 4 है एन फैक्टर हो गया 2, एच थ्री पी ओ 4 है फॉस्फोरिक एसिड है तो एन फैक्टर हो गया 3, रिप्लेसेबल एच प्लस आयन की बात कर रहा हूँ।
तो एसिड वन है उसका एम वन मोलैरिटी है, वॉल्यूम है वी वन, और एन वन है उसका एन फैक्टर रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस। तो ये है हमारे पास। और उसी तरीके से एसिड टू है, और एसिड टू का हमारे पास है मोलैरिटी है एम टू, वॉल्यूम है वी टू, एन फैक्टर है उसका रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस वो है एन टू। ये है हमारे पास दो एसिड, दोनों को मिला दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालो टोटल, और टोटल एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, हो जाएगा एम वन वी वन एन वन प्लस एम टू वी टू एन टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। एच प्लस मिल गया टोटल। अब पी एच निकालना आसान हो गया, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो ये फॉर्मूले से हम दो मिक्स कर दिया, आपने एसिड को मिक्स कर दिया, दो एसिड को मिक्स करने के बाद जो पीएच हमें निकालना है वो पीएच हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सवाल दे दिया है आपको, आपको बोल दिया है एचसीएल है, एचसीएल का मोलैरिटी है एम वन और उसका वॉल्यूम है, उसकी मोलैरिटी जो है एम वन आपको दी हुई है मान लीजिए 0.2 मोलार, उसका वॉल्यूम जो दिया है वो है 500 ml, और दूसरा है H2SO4 और H2SO4 है 0.1 मोलार और उसका वॉल्यूम दिया है 500 ml, और आपको बोल दिया है फाइनल सॉल्यूशन जो है वो फाइनल सॉल्यूशन का पीएच निकालो। अब यहाँ पे मोलारिटी दी हुई है तो आप सबसे पहले तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा HCl, HCl का m 0.2 इंटू 500 इंटू 1 क्योंकि HCl का n फैक्टर है 1, प्लस H2SO4 का हो जाएगा 0.1 इंटू 500 इंटू 2, H2SO4 का n फैक्टर है 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 प्लस 500, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50, ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस ये हो जाएगा 0.2, 0.2 है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये भी 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5, 1/5 मतलब कि ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिल जाएगा 0.2 मिल गया हमें। पीएच हो जाएगा यहाँ पे 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹, पीएच हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻¹ इज इक्वल टू 1 − log 2 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.7 हमें पीएच मिल गया। तो इस तरीके से आपको मिक्सिंग वाले सवाल दिए हुए होंगे। इस पर एक अच्छा सवाल करते हैं, और इस पर अच्छा सवाल के लिए सवाल है हमारे पास वो है और सवाल है आपको बोला गया है, आपको बोला गया है क्वेश्चन है आपके पास और वो है फाइंड द पीएच, पीएच फाइंड करना है और 50 ml, 50 ml 0.1 मोलार HCl प्लस 25 ml 0.1 मोलार H2SO4 प्लस 25 ml 0.2 मोलार HNO3 प्लस 100 ml H2O। चार चीज़ों को मिला दिया, तीन एसिड है और आखिर में पानी है, और बोला गया है फाइंड द पीएच। सेम फॉर्मूला जो अभी हमने किया वही करना है हमें, टोटल एच प्लस निकालना है, और वो एच प्लस कैसे मिलेगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम, और एन फैक्टर का ध्यान रखना है, HCl का एन फैक्टर होता है 1, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मोलैरिटी नॉर्मलिटी एक ही होती है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर हो जाता है 2, तो उसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे H2SO4 में, और HNO3 का एन फैक्टर होता है 1, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, HNO3 के लिए भी हम M×V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.1 × 50 प्लस
0.1 इंटू 25 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, अब टोटल वॉल्यूम देखिएगा, टोटल वॉल्यूम ये 50 ml, ये 25 ml, ये 25 ml, मतलब कि 100 ml तो ये हो गया एसिड, और फिर पानी है 100 ml, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml, तो डिवाइड बाय 200। ये 200 क्यों किया, क्योंकि हमने क्या किया, चारों को ऐड कर दिया टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, 50 ml HCl, 25 ml H2SO4, 25 ml HNO3 और 100 ml वाटर, चारों को ऐड करके 200 ml, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 × 50, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.1 × 2.5 × 2, 25 × 2, 50, 50 × 0.1 तो भी 5 प्लस ये 0.2 × 25 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 25 × 2, 50, 50 और ये भी 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ 5, 5, 5 मतलब ये हो जाएगा 15 by 200, ये हो गया हमारे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 15 by 200 में मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 40 हो जाएगा, तो 3 by 40 ये हमें मिल गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं, pH हो जाएगा माइनस log ऑफ 3 by 40, 3 by 40 को हम लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 3 माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 है ना, माइनस माइनस प्लस हो के log ऑफ 40 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ, माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू हमें पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.477 होता है अप्रोक्सीमेटली, हम 0.5 ले रहे हैं उसको, प्लस log 40, log 40 को क्या लिख सकते हो, log 40 को लिख सकते हो आप 4 × 10⁻¹⁰, 1 हो जाएगा तो 1 आगे ले लेते हैं, आगे लेते हो ये हो जाएगा log 10 की वैल्यू, तो 1 हो गई, तो 1 प्लस log 4, log 4 की वैल्यू मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 0.3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमें pH मिल जाएगा इसका, हो जाएगा माइनस 0.1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 0.5 प्लस 3 × 2 = 6, 0.6 जो कि pH अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है हमें 1.1 के आसपास हमें pH मिल गया। ये हो गया आंसर हमारे पास मिक्सचर का, एसिड और एसिड को हमने मिला दिया, ठीक है। चलो आगे सवाल जो है वो आगे pH वाले सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।